आपको केवसरा 2040 मल्टीफंक्शन प्रिंटर का अनबॉक्सिंग प्लस इंस्टॉलेशन के बारे में बताएंगे। इसको इसे कट करना है। केवसरा 2040 मल्टीफंक्शन लेजर जेट प्रिंटर प्रिंटर है, और यहाँ से पैकिंग निकालना है। इस तरीके से और ऐसे उठा के ऊपर ऐसे रखना है। इसके साथ मिलता है पावर कॉर्ड। और ये है यूजर गाइड प्लस सीडी, ड्राइवर सीडी, प्रिंटर ड्राइवर सीडी। बाकी का जो है वो पैकिंग है कंपनी ने दिया हुआ। इस तरीके से पैकिंग आता है। इस पैकिंग को रिमूव करेंगे, उसको ऐसे निकालना है। मशीन का फ्रंट साइड इस तरीके से पेस्ट लगे रहते हैं। मशीन का फ्रंट साइड है, कंपनी ने अच्छी तरह से डिजाइन किया हुआ है। ये बैक साइड जहाँ पे पावर कॉर्ड लगता है, ऊपर में यूएसबी प्रिंटिंग केबल के लिए स्लॉट है और सेकंड स्लॉट है नेटवर्क का। ये प्रिंटर के साथ पावर केबल मिलता है। जो है यूजर गाइड और प्रिंटर सेटअप, ड्राइवर सेटअप। केवसरा 2040 सीरियल के सभी ड्राइवर इसमें मिल जाएंगे। यह यूजर गाइड, इसमें से प्रिंटर इंस्टॉलेशन के लिए सब जानकारी दी हुई है। प्रिंटर का कार्टेज कैसे लगता है इसमें दिया हुआ है। पावर केबल मशीन के टेप रिमूव करेंगे। पैकिंग के लिए जो रहते हैं
एडीएफ डॉक्यूमेंट प्रोसेसर, ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट प्रोसेसर। ये भी निकाल लेंगे। अब कंपनी की तरफ से कार्टेज अनलॉक होके आता है, तो इसको हम लॉक करेंगे। लॉक करने के लिए ऊपर उठाना है, एरो से एरो मिलाना है। प्रेस करके ऊपर उठाना है और लगा लेना है फ्रंट कवर। यह है मल्टीपर्पज स्टे बाईपास। इससे आप इसमें अपन 100 पेपर डाल सकते हैं। और यह है मेन ट्रे, मशीन का मेन ट्रे, इसमें 200 पेपर डाल सकते हैं। यह है मशीन का एडीएफ, ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट प्रोसेसर। यह है मशीन का डिस्प्ले पैनल यूनिट, कंट्रोल पैनल यूनिट। यह है मशीन का पावर ऑन स्विच। यह है यूएसबी पोर्ट फर्स्ट वाला, और सेकंड वाला है नेटवर्क पोर्ट, या आप इथरनेट केबल के द्वारा कंप्यूटर अटैचमेंट कर सकते हैं। यह है पावर केबल का स्लॉट। इस तरह से प्रिंटर रेडी हो गया। इंस्टॉलेशन की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले टाइम जोन सिलेक्ट करना है, या तो आप स्किप कर सकते हैं। स्किप करने के बाद मशीन एडिंग टोनर लेता है। इसके लिए 10 से 15 मिनट मशीन लेगा। यह है मशीन का कैसेट, 200-250 पेपर डाल सकते हैं इस तरीके से। ये पेंटर ड्राइवर सीडी कंप्यूटर में सेटअप चलाएंगे। सीडी डालेंगे। इस तरीके से कंप्यूटर को से सेटअप रन किए करेंगे। कस्टम इंस्टॉल करना है। एक्सेप्ट करना है। यहाँ पे कस्टम इंस्टॉल करना है। यहाँ पे ये प्रिंटर ऑटोमेटिक ले लिया कंप्यूटर ने। यहाँ पे सिलेक्ट करना है, कनेक्ट करना है। नीचे जो ड्राइवर है वो सब सिलेक्ट करना है एक एक इस तरीके से। एक एक सिलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे। पूरे पूरे नेक्स्ट करना है, इंस्टॉल करना है।
बाद में इंस्टॉल करना है मार्क करके। ओके करना है। यहाँ हमें जनरल में जाके प्रिंट टेस्ट पेज करना है। प्रेफरेंसेस में A4 सिलेक्ट करना है। पेपर डुप्लेक्स वन साइड टू साइड के लिए फ्लिप ऑन पेज है। फर्स्ट ऑप्शन इज डुप्लेक्स ऑफ का है। यहाँ पे हम टेस्ट पेज देंगे। ये आया प्रिंट का प्रिंटर का टेस्ट पेज। बहुत ही बेहतरीन प्रिंट क्वालिटी है। ये प्रिंटर का बाईपास मल्टीपर्पज है। यहाँ से भी अपन प्रिंट कॉपी निकाल सकते हैं। इस तरीके से रखना है पेपर। ये है ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट प्रोसेसर। ऊपर में पेपर रख सिलेक्ट करना है पेपर साइज। स्कैन कर लिया पेपर प्रिंटर ने। एक कॉपी दे दिया प्रिंटर ने। ये सिंगल साइड कॉपी आ गई। ये ग्लास पे जो कॉपी देंगे अपन डुप्लेक्स कॉपी सेटिंग फंक्शन में जाना है।
डुप्लेक्स 152 सेट करके ओके करके स्टार्ट करना है। फर्स्ट पेपर स्कैन हो रहा है, एक कॉपी निकल गई दोनों साइड से।